हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सारे के सारे ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। साबूदाना आप जब कभी भी भिगोएं तो उसे पानी में डिप करके इतना ही पानी डाल दें कि इसमें साबूदाना जैसे ओवर पानी ना डालें। तो देखिए, मैंने 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च ली है। टमाटर को काट लेते हैं और बनाएंगे साबूदाना की चटपटी सी रेसिपी। एक हरी मिर्च ऐसे भी बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो देखिए, मिर्च भी मैंने काट ली और टमाटर भी काट लिए। 2 बॉइल आलू हैं, ये उबले हुए आलू हैं देखिए, और इन्हें मैं क्यूब्स के आकार में काट लिया है। जो बाकी की 2 हरी मिर्च थी उन्हें मैंने खलबत्ते से थोड़ा सा कूट लिया है, देखिए इस तरह से। इसका थोड़ा मोटा मोटा सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया। उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी जब हमारा गर्म और मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब मिर्ची हमारी फ्राई हो जाएंगी तब इसमें मैंने टमाटर डाल देना है। टमाटर को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। ये बर्थ का नमक होता है। अभी थोड़ी देर इसको पकने देंगे। गैस की आंच मीडियम रखे। देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें जो मैंने 2 हरी मिर्च कूट के रखी थी वो डाल देंगे, इससे थोड़ी चटपटापन आएगा। अब टमाटर मसाला हमारा सब अच्छे से पक कर तैयार होगा। अब इसमें मैंने साबूदाना डाल देना है और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो हमारे मिर्ची और टमाटर वगैरह उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला, पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, और उसे ऐसे ही पका लेंगे धीमी गैस पे। तो देखिए, साबूदाना हमारा बिल्कुल पककर तैयार है। अब इसमें मैंने बॉईल हुए जो आलू थे वे डाल देने हैं। और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। साबूदाना की चटपटी सी रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। और ये व्रत में तो खा ही सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। तो लीजिए, तैयार है साबूदाने की चटपटी सी मसाला खिचड़ी। इसे आप दही, रायता, आलू के रायते के साथ या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने हरी चटनी इसलिए बनाई क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मिर्च डाल दी है हरी, इसलिए मैं इसे दही के साथ सर्व करूंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। तो आपका जब भी चटपटा खाने का मन करे तो ये रेसिपी घर पर बनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें।